हेलो एंड वेलकम टू माय गीक प्रेडिक्शन। सो मुझे काफ़ी जनों ने बोला था कि मुझे इसका माइक ओटीजी का यूजेज के लिए बताने के लिए। सो इसको यूज़ करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये जस्ट एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जैसे आपके पास होते हैं नॉर्मल आपके मिक्सर ग्राइंडर्स और वगैरह वगैरह। सो ये जस्ट उसी से मिलता जुलता एक अप्लायंस है कि आपने अगर ये यूज़ किया तो ऐसा कोई नहीं है कि इसको यूज़ करना कोई बड़ी बात है, नॉर्मली यूज़ होता है। बट काफ़ी लोग इसके फोबिक होते हैं कि कुछ हो गया तो केक्स नहीं बने तो स्टार्टिंग में कुछ लाइक बहुत रेयर लोग होते हैं जिनका फर्स्ट टाइम में कुछ परफेक्शन आता है। सो इसमें बेकिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आप वैसे ही बेक करोगे जैसे आप नॉर्मल कुकर पे बेक करते हो। स्टार्टिंग में आपकी एक दो केक्स ख़राब होंगी या एक दो चीज़ ख़राब होगी, बट नेक्स्ट टाइम से आपके सब केक्स बहुत अच्छे से बनेंगे। सो सबसे पहली बात अभी हम इसका देखते हैं, जो हमने अनबॉक्सिंग वीडियो में भी देखा था इसका व्यू। इसमें आपको देखो तीन शेल्फ मिलते हैं, मतलब तीन लेवल्स पे आप बेक कर सकते हो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे जिसपे ये है और थर्ड लेवल यहाँ पे। मैं प्रेफर करता हूँ बेकिंग करना इसके इस ग्रिल के ऊपर जो ये आती है, इसके साथ आप देख सकते हो। सो देखिए ये सपोज आपका केक बैटर है और आपका ये टिन ऐसे यहाँ पे जाएगा, दैट्स इट। आपको इसमें और कुछ भी नहीं करना है, ये लिटरली इतना ही सिंपल है। टेम्परेचर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आपको इसमें बेकिंग कैसे करनी है, ठीक है। आपको सिर्फ इसके अंदर आपका केक बैटर डाल के इस तरीके से रखना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा हम इसमें यूज़ कर सकते हैं टिन का यूटेंसिल या और कुछ। सो आप इसमें सिलिकॉन भी डाल सकते हो और आप इसमें अपना एल्यूमिनियम भी डाल सकते हो। थर्ड, अभी सिलिकॉन देखो कैसे हो गया। सो मेन प्रॉब्लम यही है सिलिकॉन का, और सिलिकॉन को जब भी आप फिल करके उठाते हो ना तो देखिए ये टेढ़ा हो जाता है ऐसे। सो अवॉइड सिलिकॉन, अगर आपके पास है तो चलो ठीक है यूज़ करो, बट मैं प्रेफर करूँगा आपको कि एल्यूमिनियम टिन से यूज़ करो, वो बहुत अच्छे होते हैं। और थर्डली अगर आपके पास बोरोसिल है तो आप बोरोसिल भी यूज़ कर सकते हो बेकिंग के लिए, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द बेकिंग। अभी ग्रिलिंग कैसे करें, और ग्रिलिंग के लिए नॉर्मली आपको क्या करना है, ये जो आपका क्रम ट्रे है इसको लाइन करना है। जैसे मैंने आपने पनीर टिक्का वाली ग्रेवी में बताया था, आपको हर एक चीज़ लाइन करनी है ग्रिलिंग करने से पहले। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको एकदम हाई पावर पे सेट करना है, मतलब जो आपका टेम्परेचर है जिस पे हम आएंगे बाद में उसको एकदम हाई कर देना है और टाइम दे देना है यहाँ से नीचे से। और ग्रिलिंग के टाइम पे आपको बिल्कुल भी प्री हीटिंग की ज़रूरत नहीं है, इस मिथ को अपने माइंड से निकाल दो, ठीक है। अभी ग्रिलिंग की बात है तो आप ग्रिलिंग इस पर भी कर सकते हो, और एल्स आप अपने इस तरीके का जो बेकिंग ट्रे आया है ना इसके साथ, इस पे भी कर सकते हो। आई जस्ट शो यू हाउ टू पुट दैट। सी ये बेकिंग ट्रे, और इस पे आप लाइन करके आप इसको इस लेवल में भी डाल सकते हो। देखिए आप स्टार्टिंग के 5-10 मिनट आप इसको ग्रिल करने के लिए ये लेवल पे रखो, और अगर आपको बाद में लगे कि उसमें कलर नहीं आया तो आप उसको ऊपर लेवल पे रख दो सिर्फ 5-10 मिनट के लिए। उसके अंदर बहुत अच्छा कलर आ जाएगा और आपका ग्रिल आइटम बहुत अच्छा बनेगा, जो भी आप बना रहे हो वो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। सो दिस वाज इट्स डन। अब हम देखते हैं कि इसका टेम्परेचर सेटिंग क्या है, जो बहुत जनों के लिए ट्रिकी चीज़ है। सो चलिए हम इसके टेम्परेचर सेटिंग्स और नॉब्स को सी। ये इसमें तीन नॉब्स होते हैं, एक टेम्परेचर, फंक्शन और टाइमर, ठीक है। अभी हम टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर कैसे होगा देखिए, इसमें यहाँ पे आपको हल्का सा स्लिट दिख रहा है, ये देखिए ये स्लिट होता है, इसको आपको बढ़ाना घटाना है तो ये आपका इंडिकेट करेगा टेम्परेचर, ठीक है। सो यहाँ से ये स्टार्ट होता है 50 डिग्री से, यहाँ पे आप इसको रखेंगे तो ये 90 डिग्रीज हो गया। अभी मोस्टली हमारे केक्स बेक होते हैं 160 पे, सो आप इसको यहाँ से लेके यहाँ इतना रोल करोगे, ये 150 पे आ गया, 150 से 10 अराउंड यहाँ पे होगा, ठीक है, 160, 170 और ये 180, 190 के आजू बाजू में होगा, 180 डिग्री राइट, और ये 190। आपकी केक्स हमेशा बेक होंगे 180 या 160 डिग्रीज पे या 170, मतलब 150 से 190 के बीच में आपका केक बेक होगा। 190 पे जो कभी नहीं होगा, 190 पे गलती से भी मत रखना तो आपका केक जल जाएगा। 160 पे रखना फर्स्ट ट्राई में, अगर उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है
तो आप उस पर 170 या 180 बढ़ा सकते हो। अगर आपको उसमें लग रहा है कि यार मेरा केक इसमें भी जल रहा है, तो आप उसको 150 डिग्रीज पे रखो, ठीक है। आई होप टेम्परेचर पार्ट इज क्लियर नाउ। ग्रिलिंग और ब्रेड बेकिंग, ग्रिलिंग के लिए आपको हमेशा 250 डिग्रीज जो आपके ओवन में मैक्सिमम टेम्परेचर हो उस पर रखना है। अब ब्रेड मेकिंग के लिए नहीं कह सकता क्योंकि ब्रेड मेकिंग का अलग 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 टेम्परेचर है मेरे ब्रेड्स के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ये नॉब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वन लाइन, जो सिर्फ ऊपर वाली वन लाइन है उसमें आपका चालू होगा सिर्फ ऊपर वाला कॉयल, यानी कि हमारे ओवन में जो ये ऊपर वाली कॉयल है सिर्फ ये कॉयल चालू होगी। ये यूजुअली कब चालू की जाती है कि जब भी हमको कलर देना होता है, ठीक है, जो हमारे डिश को थोड़ा डार्क कलर देना होता है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन जिसको हम बेक मोड भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ नीचे की एक लाइन है, यानी कि इसमें आपका चलेगा, जलेगा या फंक्शन करेगा ये वाला रॉड, जो नीचे वाले दोनों रॉड्स हैं, एक रॉड नहीं जलेगा, दोनों वाले रॉड्स जलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है ऊपर नीचे की दोनों कॉइल्स, मतलब ये ब्रेड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सो ये आपका ब्रेड में यूज होगा ऊपर नीचे का कॉइल। ये है देखिए दो कॉइल्स और बीच में फैन, मतलब बीच ये आपका कन्वेक्शन ओवन बन जाएगा, ऊपर नीचे की कॉइल जलेगी और अंदर गर्म हवा सर्कुलेट होगी। और अब ये है ऊपर वाला कॉइल, रोटेसरी और फैन। अब रोटेसरी ऑन करना है ना, तो ये चालू कर आपको इस मोड पे रख के टाइमर देना पड़ेगा। आपका ओवन तभी तक नहीं चालू होगा जब तक इस पे टाइम नहीं दिया। अभी देखा मैंने इसको कितने फंक्शन दिए, ओवन चालू नहीं हुआ। एज सून एज मैंने इसका टाइमर दिया, देखिए आपका ओवन चालू हो गया, ठीक है। मैं अभी इसको फिलहाल बंद कर रहा हूँ पीछे से। इसी मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप ओवन के टाइमर के साथ ज़बरदस्ती कभी मत कीजिए, जस्ट मुझे आपको रोटेसरी दिखाना है। ये देखिए यहाँ पे ना एक सुराख काइंड ऑफ है, आपको उसको उसके अंदर डालना है। ये देखिए आई होप आप देख सकते हो ये रहा, ठीक है। आप इसको इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट करोगे, और एक एंड आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये घूमेगा। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, बट स्टिल मैं अपना दरवाज़ा ओवन का नहीं बंद करूँगा क्योंकि आपको देखेगा नहीं। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ओवन को कभी भी खुला मत रखिएगा। ये देखिए ये घूम रहा है, आई होप देख सक रहे हो, क्योंकि इसका फोक नहीं मिला ना, अगर फोक होता तो आपको सीधा दिख जाता। ये कट 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 आवाज़ इसकी वजह से ही आता है, ये घूमता है उसकी वजह से। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कभी प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें। सो ये रहा आपका घूमता हुआ रोटेसरी, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, आप इस टेम्परेचर को बता रहा हूँ 50 डिग्रीज पे जब ये आप रखोगे तो वो आपको काम आता है जब आपको ब्रेड प्रूफ करना है, योगर्ट को अगर सेट करना है तो वो उस टाइम पे काम आएगा। आपको उस टाइम पे कोई भी बटन, मतलब अगर आपको चाहिए तो आप ऊपर नीचे वाला रॉड ऑन कर सकते हो, और इस टाइमर को आप थोड़ा 10 मिनट के लिए कर सकते हो जिसके आप प्री हीट हो जाए। अभी प्री हीट मैंने वर्ड बोला, तो प्री हीट कैसे करना है ओवन को? सो बेसिकली आपको केक बनाने के लिए या कोई भी बेकरी आइटम जैसे ब्रेड हो गया, कुकीज़ हो गया, ब्राउनीज़ हो गया, वो सब आपको प्री हीट करके बनाना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल आपको देना है टाइमर 180 डिग्रीज या 160 डिग्रीज का, 160 या 180 के अलावा कहीं पे भी नहीं जाएगा आपका टाइम। 150 होगा लेकिन 190 बिल्कुल नहीं होगा केक्स के मामले में, ब्रेड में तो वो 200 भी जाता है। सो आप मैंने यहाँ पे 160 पे सेट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 160। लोअर कॉइल ऑन रखना है तो मुझे लोअर कॉइल पे भी इसको रखना है, ठीक है। अब मेरे ओवन में टाइम है 60 मिनट का, आई होप यू कैन सी इट। सो मैं अभी इसको दूंगा, समझो यहाँ पे ये देखो ये मेरा 40 मिनट पे है अभी, तो मैं इसको 40 मिनट का ही टाइम दूंगा। अभी 30 मिनट मेरा बेकिंग का और 10 मिनट्स मेरा ये रीहीटिंग टाइम, ठीक है। ये 40 से जब 30 पे आएगा तो मैं इसमें अपना टिन रख दूंगा जो कि ये होगा। रुको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ उसको। सो अब मैंने इसमें ये ग्रिल रख दिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको टाइम देना है और टेम्परेचर देना है 160 डिग्रीज का। 160 डिग्री देने के बाद मैं इसको रखूँगा लोअर सिर्फ नीचे वाली कॉइल ऑन पे। ये देखिए यहाँ पे, और ये रहा मैंने टाइमर। टाइमर को मैंने सपोज पहले से 10 मिनट्स का मेरे को प्री हीट करना, ठीक है। ये 10 मिनट्स का टाइमर दे दिया और आपका ओवन अंदर ही अंदर गर्म होगा। मैंने इसको पीछे से बंद कर दिया, दैट्स द रीज़न इसमें बल्ब नहीं जल रहा है।
सो आपका ओवन अंदर ही अंदर गर्म होगा। तो हम प्री हीट क्यों करते हैं? क्योंकि इसका टेम्परेचर पहले जैसा बन जाए। अभी सबसे बड़ी मिस्टेक प्री हीटिंग में जो लोग करते हैं, 200 डिग्रीज पे प्री हीट कर दिया, बेक आपको 160-180 पे करना है, टोटली रॉन्ग। आपकी चीज़ ख़राब हो जाएगी जो आप बेक करोगे। हमेशा जो टेम्परेचर पे आपको बेक करना है वही टेम्परेचर पे आपको प्री हीट करना है। प्री हीटिंग इज जिस बेसिकली आप चपाती बनाते हो, तो चपाती आपकी कैसे, पहले आप 5-10 सेकेंड के लिए तवे को भी गर्म करते हो, राइट। बेसिकली आपका ये तवा है जिसके अंदर आपका केक जाएगा, ठीक है। मैं इसको सिंपल से सिंपल बताने की कोशिश करूँ, जिसके अंदर आपका केक जाएगा। अब आप ठंडे तवे पे चपाती डाल दोगे तो वो बनेगी क्या? नहीं बनेगी। सो उसी तरीके से इसको अगर आप नहीं गर्म करोगे तो आपका केक बनने में या तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या तो ख़राब भी हो सकता है। सो देखिए यहाँ पे जैसे 10 मिनट्स का टाइमर ख़त्म होगा, ये बिल्कुल मत करना, मैं वापस से बता रहा हूँ, मुझे जस्ट वीडियो बनाना है उसकी वजह से मैं कर रहा हूँ, इसको खुद ही ख़त्म होने देना। ये 10 मिनट्स का टाइम अगर समझो ख़त्म हो गया और आपका ओवन एकदम मस्त गर्म हो गया, आपको बैक एंड पे मतलब पीछे आपका बैटर रेडी रखना है, राइट। अब सपोज मेरा बैटर भी रेडी है और ये मेरा ओवन खुला, ये गर्म होता है बहुत, सो इसको अवॉइड करना बिना ग्लव्स के, टिन डालना और आपको टिन रखना है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे रख सकते हो, कोने में रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, कुछ कहाँ पे भी रख सकते हो, बस अगर आपको सिंगल टिन है ना तो यहाँ पे रखना, वो प्रेफरेबल रहता है। और अगर आपके चार टिन्स हैं तो आप चार टिन्स भी रख सकते हो इसे। ये बंद कर दिया, ये आपका केक टिन, और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया 30 मिनट्स का टाइम। ये अंदर ही अंदर कुक होता रहेगा। सबसे पहली और बड़ी गलती केक रखने के बाद लोग यही करते हैं, हुआ क्या। सो ये बिल्कुल मत करना, इससे आपका ओवन का टेम्परेचर अंदर का बिगड़ जाता है और आपका केक जो अच्छा खासा फूलने वाला होगा वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत करना। इसको अंदर रखने के बाद आपको मिनिमम से मिनिमम 15 से 20 मिनट इसको खोलना ही नहीं है, अनलेस एंड अंटिल इट्स वन, जितना अगर ये देखो ये 8 इंच का केक टिन है, 8 से 9 इंच का केक टिन है, तो इसको आपको 15 से 20 मिनट नहीं खोलना है। अगर आपका छोटा टिन है तो आपको 10-15 मिनट बिल्कुल नहीं खोलना है उसको भी। विद इन दैट टाइम वो आधा बेक हो चुका होता है और ओवन आपका अच्छा टेम्परेचर ले चुका होता है। उस टाइम पे आप टूथपिक इंसर्ट करोगे तो आप चेक कर सकते हो, बट उसके लिए अलग ट्रिक्स हैं जो मेरी क्लास में सीखने को मिलेंगी, जो बहुत जल्दी है, लेकिन आप ऐसे चेक कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप उसे चेक नहीं कर पाओगे या आपका केक खराब हो जाएगा। आई एम अनाउंसिंग माई क्लास सून, सो बी रेडी फॉर दैट। सो ये रहा, ये आपके ओवन के लिए रहा। और सबसे नेक्स्ट चीज़ जो हमारी बड़ी गलती होती, सबसे बड़ी गलती कि हम ओवन को जैसे हमारा काम हो गया तो हम उसको ऐसे ओपन छोड़ देते हैं। इसको मत छोड़ा करो ओपन, जैसे आपका ये ओवन ठंडा हो जाए, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, आप इसको एक नॉर्मल कॉटन के कपड़े से भी ढक दोगे तो आपका ओवन क्लीन और अच्छा रहेगा, नहीं तो ये वेंट्स है ना, इन वेंट्स में धूल चली जाती है तो उसकी लाइफ कम हो जाती है उसके कंपेरिजन में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज को आंसर कर दिया हो। सो एक बड़ा लाइक दे देना। सो जिसने इस वीडियो के लिए डिमांड किया था, हेयर इट इज़ फॉर यू, थैंक यू सो मच, आपने इतना ट्रस्ट दिखाया और कमेंट किया कि आपको इसकी फंक्शनिंग का चाहिए। मेरे पास IFB का माइक्रोवेव भी है, अगर आपको उस वीडियो के उसके लिए भी आपको डिटेलिंग चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, आई डेफिनेटली डू अ वीडियो ऑन दैट। Thank you for watching. Like, share, subscribe. Bye-bye.